हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग प्रो आई एन डी। मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बिना स्पिन के कैसे बैंक शॉट मारे जाते हैं, वो भी एकदम इजी बेसिक शॉट्स। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपने प्रैक्टिस रूम पे जाइए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जिसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे ज़ीरो स्पिन के साथ बैंक शॉट किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अब मैं चाहूँगा कि आप एंड तक के मेरे ट्यूटोरियल को देखिए कि उसमें आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, आपका स्किल्स भी कुछ मतलब अच्छे से अच्छा बने। तो चलिए गाइस, शुरू करने से पहले हर एक यूट्यूबर जो कहता है वही मैं भी कह देता हूँ। अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि अगली कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, इस वीडियो को टिल तक देखना कि इसमें एकदम सिंपल और बेसिक्स शॉर्ट्स मैंने दिखाए हैं कि आप इजीली अपने पूल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। गाइस, इस शॉट के ना इस डायमंड से एम करना पड़ेगा और वहाँ से अभी यहाँ देखें, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रख के एम रख के विथ फुल पावर के साथ जब आप शॉट मारोगे तो उस 100% शॉट मिलेगा वहाँ पे। अभी देखिए कि ये दूसरा शॉट है, यहाँ से हम लोग है ना मतलब ये शॉट आके हम कहीं से मार सकते हैं बिना स्पिन के। अभी मैं इस ट्यूटोरियल में दिखा रहा हूँ कि बिना स्पिन के कैसे शॉट मार जाए। देखिए यहाँ पे नीचे से जो मिडिल डायमंड में रख के जब पोल फुल पावर के साथ मारेंगे तो वहाँ पे जो भी बॉल रहेगी वो अपोर्ट हो जाएगी आराम से और रहेगी। अभी देखिए बॉटम मिडिल पॉकेट से और बॉटम लेफ्ट पॉकेट को कैसे अपोर्ट करना है। ये शॉट्स पर आया ना बिना स्पिन के शॉट्स नहीं है, पर हर एक कोई ईजिली सीख जाएगा क्योंकि बिना पहले आप लोग जब सीखोगे तो बिना स्पिन वाला शॉट सीखोगे तो आपको एक नॉलेज मिलेगा कि मतलब कैसे बॉल को पैट पॉट करना है। अगर से वही आप स्पिन डाल के सीखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मतलब शॉट कैसे पड़ती है, क्योंकि स्पिन में बार बार एंगल चेंज होती है। अगर से देखिए थोड़ा भी एंगल चेंज होगा तो शॉट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी एक शॉट देखिए, नेक्स्ट शॉट में इसमें दिखाऊंगा कि आपको मैं देखिए इस शॉट में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया और शॉट का एम ही बदल गया। तो इसी तरह देखिए आप लोग अपने प्रैक्टिस टेबल पे मतलब प्रैक्टिस रूम पे ट्राई कीजिए, अच्छा खासा ट्राई करने से मतलब शॉट्स मिलता है, कोई लेजेंड नहीं होता है भाई। सब लोग है ना वीडियो एडिट करके बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मतलब ये बोलने का वजह क्या है पता है, जब लोग पूल खेलते हैं कई स्नोकर में अटक जाते हैं तो तब मतलब कुछ ऐसे शॉट्स हमारे स्किल्स काम आ जाते हैं कि हम लोग मैच इजीली जीत जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बैंक शॉट ट्रिक शॉट्स और मतलब जो भी है मतलब सीखने के लिए, मतलब ऐसे नहीं है कि लेजेंड ही खेल सकता है कोई, नहीं यार हर कोई क्या सीख के आता है, नहीं ना। हम लोग भी देखिए, मैं लेवल 333 का है, मैं बहुत सारा मैच खेला हूँ, बहुत से टाइम हारता भी हूँ, कंटिन्यू 20 बार भी आ रहा हूँ मैं, कंटिन्यू 10 बार भी जीता हूँ। मतलब ये डिपेंड होता है कि अपने स्किल और लक के साथ, ठीक है ना, सामने वाला बंदा कैसे खेलता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ जो ट्यूटोरियल है इसमें, ये बिना स्पिन के ट्यूटोरियल्स है, ठीक है ना। स्पिन डालने से क्या होता है, शॉट का मतलब पोजीशन से लेकर डायरेक्शन पर चेंज हो जाता है। पहले आप लोग है ना अपने प्रैक्टिस रूम में जाके बिना स्पिन वाला शॉट सीखिए, क्योंकि आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि स्पिन क्या चलता है, बिना स्पिन के शॉट कैसे मारते हैं और विथ स्पिन के साथ कैसे शॉट मारते हैं। आप लोग जब ट्राई करोगे ना आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी कि एक शॉट को कैसे लेके जाना है। ये देखिए बिना स्पिन के ये शॉट्स लगा रहे हैं मैंने, तो बेटर है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अपने पुल के साथ। और ये मेन ये तो मेजर बात है कि जो आप अपनी क्यू यूज़ करते हो ना वही क्यू डिपेंड करती है। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आर्च एंगल क्यू, ये फुल पावर क्यू है। कोई भी क्यू हो जो आपने क्यू से खेल दो, उस क्यू से आप पहला प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस क्यू का अलग अलग पावर रहता है, अलग अलग स्पिन रहता है। और जैसे कि इसमें देखिए इसका पूरा पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका शॉट भी मतलब ज़्यादा पड़ेगा। अगर वही आप बिगनर क्यू में कर रहे हो तो उसका ज़ीरो स्पिन है, ज़ीरो पावर है, लेकिन एम का भी आपको उसमें डिफेंड करना पड़ता है ना, मतलब कहाँ कहाँ से रहे कहाँ कहाँ तक, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप खेलोगे अपने फ्रेंड के साथ, आप ट्रिक शॉट्स खेलोगे, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ऐसे नहीं यार मतलब ट्रिक शॉट और बैंक शॉट अभी भी बोल रहा हूँ सीखने का यही एक मतलब है
कि जब आप कहीं गेम खेल रहे हो, कहीं आपको स्नोर देता है या कुछ जीतने का मैच है, लास्ट बॉल आप पोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट शॉट से मारना है या बैंक शॉट ही मारना है, तो अगर से आप सीख के रखेंगे तो मतलब गेम इजीली जीत जाएंगे। कहने का मतलब वही है, अगर से मतलब ये नहीं कि हर बार ट्रिक शॉट खेलना है गेम में, ऐसे कभी मत कीजिए। क्योंकि जब आप हर बार ट्रिक शॉट करोगे ना, अभी बिना ये है कि बिना स्पिन के ट्यूटोरियल है, ठीक है ना। आप जब स्पिन के साथ खेलोगे, जब ब्लैक बॉल को पोर्ट करोगे, समटाइम्स क्या होता है कि ब्लैक बॉल के साथ वाइट बॉल भी पोर्ट हो जाता है, तो मतलब वो उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे खेलते हैं, मतलब हम लोग का स्किल्स कैसा है। बार बार मतलब हीरोगिरी दिखाने से आप में का कॉइन ही वेस्ट होंगे यार, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आराम से खेला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शॉर्ट्स पर मतलब बेसिक शॉर्ट्स है, ठीक है ना। मैं भी उतना बड़ा लेजेंड नहीं हूँ। मेरा एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मेरा भाई ने बोला कि भाई मुझे एक वीडियो बना के दो, तो मैंने सोचा कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको दूंगा। ये सिंपल एकदम बहुत सिंपल शॉट्स है, ठीक है ना। इसमें बिना स्पिन के कैसे शॉट्स मारा जाता है बल्कि वो मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी देख सकते हो, या तो अपना नॉलेज रख के आप भी कुछ दूसरा ट्राई कर सकते हो। देखिए यार, सिंपल है फंडा गेम का, ठीक है ना। गेम मज़े करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। कोई लेजेंड बनना है, कोई लेजेंड नहीं बनता है। हर एक लेजेंड भी है ना, 1 से 50 बार वीडियो एडिट करता है, गेम खेलता है, बाद में अच्छे से शॉर्ट्स है ना कट करके डाल के अपने यूट्यूब में काटता है, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं यार, आप लोग भी बन सकते हो, आप लोग भी शॉर्ट्स रह सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए आपको बेटर क्या है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अपने उसमें। इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक यू सो मच।